ये धूप। सुनो, कहाँ जा रही हो? क्या नाम है? मेरा नाम सुंदरी है। पुराने कपड़ों के बदले में मैं ये बर्तन बेचती हूँ। ऐसे अजीब बर्तन तो मैंने पहले कभी नहीं देखे, पर मैं तुमको अंदर नहीं जाने दे सकता। बहुत सख्ती है सोसाइटी में, बर्तन वाली, पापड़ वाली, सब्जी वाली किसी के लिए भी अलाउड नहीं है। अरे जाइए, आप जाइए जाइए। अरे आने दो ना इसको अंदर, बोल देना वो बंगलो नंबर 11 वालों ने परमिशन दी है। पर मैडम। अरे ठीक है, मैं बात कर लूंगा सेक्रेटरी से। जाइए। आप मदद कर देंगे? इलीजिए। तो थोड़ा जल्दी रेडी नहीं हो सकती? हमेशा लेट हो जाती तेरी वजह से जिम के लिए। हाँ तो मैंने बोला है वेट करने के लिए। कल से नहीं करूंगा। हाँ तो ओके फाइन। ठीक है ना भाई? तू चल ना। ये रुकना, कहाँ भाग रही है? बड़े प्यारे बच्चे हैं ये, यही बगल में रहते हैं। अच्छा, जो तो होते ही चांद सितारों की तरह है। आइए अंदर आइए। दिखाइए अपने बर्तन। वाओ, कितने सुंदर बर्तन है ना। हाँ तुम्हारी नजर तो सारे बर्तनों पे है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बर्तन बेचूंगी और बदले में सिर्फ एक कपड़ा लूंगी। लेकिन एक ही बर्तन क्यों? इतने अनोखे बर्तन हैं, मैंने तो कभी नहीं देखे। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सारे ले लूं। केवल एक? ये क्या बात हुई, हमारी जितनी इच्छा। पहले एक तो इस्तेमाल कर लूं, अगर अच्छा लगा तो फिर मैं दोबारा आ जाऊंगी।
एकदम खराब व्यापार है मेरा। अरे ठीक है ना दमयंती, सही तो कह रही है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, अच्छा लगा तो बाद में और लेंगे। हाँ मैं अभी आता हूँ। ये लीजिए। ये आपकी कमीज है? हाँ। तो बताओ आपको इनमें से कौन सा बर्तन चाहिए? ये बड़ा वाला दे दो। सच में कितने अनोखे बर्तन है ना इनके। कितने अनोखे हैं वो तो आज रात को पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मुझे स्पेशल यूनिट से मिलना है। स्पेशल यूनिट? अरे जिन्होंने अजीब केसेस सॉल्व किए हैं। सर ये आपसे मिलना चाहती है। बोलिए। सर मैं श्योर नहीं हूँ, मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता है। कहना क्या चाहती हो तुम? सर हमारी कॉलोनी में एक औरत आई थी। इसका मतलब बर्तन वाली जादुई बर्तन बेच रही है। सर मैं घर पे बोल के आई हूँ कि मैं अपने दोस्त के यहाँ स्टडी करने जा रही हूँ। सर घर पे पता चला तो मेरी डांट पड़ जाएगी। डोंट वरी, हम किसी को नहीं बताएंगे। सर एक और बात, सर वो ऐश्वर्या जितनी खूबसूरत नहीं थी पर ऐसा लग रहा था कि उसने सारे स्टार्स निकल लिए। उसकी पूरी बॉडी में बहुत चमक थी। सर मैं सच बोल रही हूँ। निहारिका हमें तुम्हारी बात पे यकीन है, लेकिन ये औरत बर्तन बेचकर करेगी क्या? शेखर, 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 शेखर।
सर, न्यूटन सर को सारी डिटेल्स भेज दी है। गुड, ठीक है, तुम जा सकती हो। तो मैं घर पे ड्रॉप करने के लिए किसी को भेजूं? नो सर, मैं स्कूटी लेके आई हूँ। थैंक यू। पर राठौर साहब, यह औरत जादुई बर्तन काहे को बेच रही है? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा साले। अरे दमयंती, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही है? ताई, ताई शेखर कहीं नहीं मिल रहे। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं दिख रहे। वो कभी बिना बताए कहीं नहीं जाते ताई। और उसका फोन? फोन भी घर पर ही है। भाभी, कल चमकीला बर्तन लिया था, आज भी घर में ही है ना? ये क्या बात कर रही है? मैं शेखर को लेकर इतना परेशान हूँ और इसको चमकीला बर्तन देखना है? नेहू, तू भी ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब बातों पर नहीं। ताई, मुझे बहुत चिंता हो रही है। पुलिस क्यों आई है? किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई होगी। मैं इंस्पेक्टर राठौर, आपके घर अंदर से देख सकते हैं? जी सर। मेन गेट का वॉचमैन किधर है प्रतीक? मैं बुलाता हूँ। सुनिए, ये कल यहाँ कोई बर्तन बेचने वाली आई थी क्या? जी सर, वो रहा बर्तन। जैसा निहारिका ने बताया था वैसा तो कुछ नहीं है इस बर्तन में। साहब, गेट छोड़ के किधर जाता है? मैं तो सर यही बाहर ड्यूटी पर था। शेखर को आते जाते देखा के बाहर? वो तो अंदर से बाहर ही नहीं आया साहब, मैं रात भर यही था ड्यूटी पर बाहर। और साहब, पूरी रात एक पड़ोसी के घर में से लड़ने की कुछ आवाजें आ रही थी। जितना पूछा है उतना ही जवाब देने का। शेखर बाहर नहीं गया तो फिर गया किधर? मुझे कुछ नहीं मालूम। ये बर्तन हम साथ ले जा सकते हैं? जी सर। थैंक यू। सुनिए, वो बर्तन वाली दोबारा सोसाइटी में आए तो उसे अलाउ मत कीजिएगा, और जब भी नजर आए हमें कांटेक्ट कीजिए। इस बर्तन के कितने पैसे लिए थे उसने आपसे? कुछ नहीं सर, बस शेखर का एक शर्ट लिया था। ठीक है। सालवे साहब, अच्छा तो इतनी जल्दी खोज शुरू हो गई सुंदरी की यहाँ पे। ये बेवकूफ इंसान, ये मुझे अंदर जाने से रोकेंगे? मैं भी देखती हूँ
कैसे रोकते हैं इस सुंदरी को? ए! रुक जाओ वहीं पे। फिर आ गई तुम? अंदर जाने की परमिशन नहीं तुमको? जाओ बाहर जाओ। मैं नहीं जा सकती, लेकिन मेरी जगह तू जाएगा। नफरत है मुझे इस सूरज की रोशनी से, इसकी किरणों से। कुछ समय की और बात है, सिर्फ बात, सब जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। बर्तन वाली दोबारा सोसाइटी में आए तो उसे अलाउ मत कीजिएगा। ये तुम? साहब, बर्तन लेंगे क्या? ये मेरा सम्मोहन कैसे टूट गया? एक कपड़े के बदले में एक बर्तन बेटे के कपड़े ले जाएगी? ये रुकना कहाँ भाग रही है? न्यूटन सर आज कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे? सालवे, दामयंती के यहाँ से जो बर्तन मिला था वो न्यूटन सर को भिजवा दिया था? हाँ ना साहब, वो उनका बाज है ना गंगा, वो उठा के लेके गया बर्तन। जैन सर। जैन, जैन। यस सर। ए हेलो, सुनो सर। सुनो, हेलो सर। अरे लगता है नेटवर्क वीक है, हमारा आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा सुनो, बहुत दूर से आई होगी ये बर्तन वाली।
इसका बर्तन में मिला धातु सेहत के लिए बहुत अच्छा है, एकदम प्योर है। और बर्तन में इतना शुद्धता अपना प्लेनेट में मिलना बहुत मुश्किल है, अंडरस्टैंड? इसका मतलब कि ये कोई एलियन है। लेकिन सर वो यहाँ क्यों आई है और लोगों को क्यों मार रही है? क्या मुसीबत है, मेरी मत मारी गई थी जो ये बर्तन खरीद लिया। किसी को पता चलेगा तो लोग मुझे ही दोष देंगे। अजीब मुसीबत है, बर्तन खरीदने में भी पुलिस का डर है। छुपाऊं इसे मैं, कहाँ छुपाऊं, कहाँ? डैड, वॉचमैन को छुट्टी दी है क्या? दोपहर से दिख नहीं रहा। पता नहीं कहाँ गायब हो, उसका फोन भी वहीं जमीन पर पड़ा था। रमनीक भी अभी तक वापस नहीं आया। मुझे तो डर लग रहा है कि शेखर की तरह कहीं ये लोग भी। डैड, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये लोग कहीं चले गए तो आप इसमें उस बर्तन वाली को क्यों दोष दे रहे हो? रमनीक दादा हमेशा लेट आते ऑफिस से, और वो गगन कहीं बैठ के जुआ खेल रहा होगा, और वो शेखर दादा है ना, उनका अफेयर चल रहा बाहर, तो उसी के साथ गए होंगे। तेरे मुंह में जो भी आता है तू बक देता है, इसकी वजह से मेरा पारा सातवें आसमान में चला जाता है। मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। डैड, कुछ भी बोलता है कुछ। मैंने क्या बोला? अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? देखो, या तो ये बर्तन वाली अपना घर वापस जाना चाहती, या यही पृथ्वी पर अपना घर बनाना चाहती है। देखो, तुम लोगों ने मुझे जो जानकारी दिया है उसका हिसाब से वो ब्रह्मांड के अंधेरे वाले हिस्से से आई है, जहां रोशनी बिल्कुल नहीं है। मतलब सिर्फ रोशनी में इसे रखा जाए तो शायद पॉसिबल है ये मर सकती है। ऐसा करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। हाँ, रोशनी मतलब कि गैमा लाइट्स, मतलब हमें गैमा टॉर्च का इंतजाम करना होगा। गैमा टॉर्च? हाँ, गामा लाइट्स का सबसे हाईएस्ट फॉर्म, अंडरस्टैंड? लेकिन सर, हम इतने कम वक्त में गैमा टॉर्चेस का इंतजाम कैसे करेंगे? जादुई बर्तन वाली औरत खुद बताएगी ये जो भी कर रही है क्यों कर रही है। सुनिए तो सही, एक मिनट रुकिए। अरे मेरा फोन। डैड, एक मिनट, मम्मा मैं फोन लेके आती हूँ अपना। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके हर बात पे ऐसे गुस्सा करना ठीक नहीं है। अरे निहारिका। हाय भैया। निहारिका, निहारिका, निहारिका। जोड़ो मेरे अक्कू को। कुमार,
मेरा हथियार। प्लीज छोड़ो। निहारिका, तुझे सजा देने के लिए ही मैंने तेरे भाई को चुना है। मेरे बारे में पुलिस को बताएगी? हाँ। अब तू देख कि मैं तेरे भाई के साथ क्या करती हूँ। तेरा गुस्सा कार्य में बाधा बन सकता है। वैसे ही तूने एक जगह पर दो बार जाके बहुत बड़ा गलती किया। याद रख, और एक इंसान की नजर है तुम पर। कुम्हार, ये मत भूलो कि तुम आज इसलिए जिंदा हो क्योंकि आज से 18 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। उन जादूगरों से बचाया था तुम्हें, और तब तूने मेरी गुलामी कबूल की थी। हर गुलाम कभी भी ज्ञान नहीं देते। मुझे मेरे मकसद के बारे में याद मत दिला। मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रास्ता भटक चुके हैं, अब हम अपने ग्रह तक कैसे पहुंचेंगे? हिम्मत मत हारो मिथ्या। बच्चों, अपने मास्क को ठीक से पहनो, ये तुम्हें सूरज की किरणों से बचाएगा और तुम्हारी आंखों को सुरक्षित रखेगा। वो रहा हमारा ग्रह सेलिस्टो। दरवाजा तो बंद हो रहा है, अब हम कैसे पहुंचेंगे अपने ग्रह? घबराओ मत मिथ्या, हम वक्त रहते पहुंच जाएंगे, बस तुम अपनी गति बढ़ाओ। पूछ सकती हूँ, वो मनुष्य जिससे मुझे मेरे अपने बच्चों के साथ अपने ग्रह से बेघर होना पड़ा था, और मेरे ग्रह के दरवाजे हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। उसके बाद से आज तक अपने दो छोटे बच्चों के साथ इस अजनबी ग्रह पे मैंने कैसे साल बिताए हैं केवल मैं जानती हूँ। आज तक सिर्फ इसी उम्मीद में जिंदा हूँ कि मेरे बच्चे जल्दी से जीवित हो जाएंगे, और ऐसा जरूर होगा। मेरे बच्चों को ठीक करेगी ये इंसानी ऊर्जा, फिर मैं इस ग्रह को अपना ग्रह बना लूंगी। यहाँ पे मेरा राज होगा और मुझे इस ग्रह से कोई बेघर नहीं कर पाएगा। तुमने कुमार, कैसे मेरे बच्चे धीरे धीरे जीवित हो रहे हैं। अद्भुत, किसने सोचा था कि जो रोशनी जान ले सकती है वही रोशनी जान दे भी सकती है। अब जा दूसरा मोहल्ला ढूंढ ताकि तेरे बच्चे पूर्ण जीवित हो जाए।
दादाजी से मेरा बेटा गया। मैंने ही उसे अक्कू का कपड़ा दिया था। टाइम खा गई मेरे बेटे को। कहाँ से लाऊं मैं उसे ढूंढ के? नहरिका तुम घबराओ मत, हमें सब कुछ बताओ कि हुआ क्या था ताकि हम कुछ कर सकें। सर ये बर्तन अखिल को निकल गया। उस औरत के हाथ में अखिल की जैकेट थी। सर सब कुछ बहुत अजीब था, तो बहुत डरावना था सर। वो औरत अखिल को मार देगी, उसने अखिल को हिप्नोटाइज कर रखा था। क्या लगता है साहब, क्या लफड़ा हो गई? सालवे, ये बर्तन एक तरह का दरवाजा है। जिसका भी कपड़ा वो लेकर जाती है, ये बर्तन उसकी अनुभूति से उसे खींच लेता है। ऐसा लगता है कि इन दोनों लड़कों में जान डालने की कोशिश कर रही है, और उनमें ये जान किसी इंसान से ही आ सकती है। रोशनी से ही जान जाना और रोशनी से ही जान का वापस आना, दोनों ही बातें पॉसिबल है। इसका मतलब यह है कि न्यूटन सर की बात एकदम सच है। वो ब्रह्मांड के अंधेरे वाले हिस्से से आई है, जहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं है। राठौर साहब, अगर वो जीवित हो गए तो तीनों मिलकर धरती को खत्म कर देंगे और उसको अपना घर बना लेंगे साहब। फिर इधर कभी उजाला नहीं होगा। ये गुफा दिखती कैसी है? सर वो जादुई दीवारें हैं। ऐसा लगता है कि अंदर की सच्चाई छुपाने के लिए किसी ने कवच बना रखा हो। राठौर साहब, ये पैरानॉर्मल ज्योग्राफी मैप से गुफा को लोकेट कर सकते हैं? सालवे, अगर ये गुफा कवच के अंदर है तब तो उसे लोकेट करना मुश्किल है। लेकिन सर वहां पहुंचेंगे कैसे? ये सुंदरी गाय की मकसद बेटों को जीवन दान और पृथ्वी पर राज, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। पंडरा ठोड़ साहब, हम उसको रोकेंगे कैसे? हम उसकी गुफा में नहीं जा सकते, उसको रोशनी मिला नहीं सकते, कैसे मारेंगे उसको? क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। करेंगे तो वही सालवे। सालवे, उसकी गुफा एक जाल है जहां ना कोई चलकर जा सकता है और ना वहां से वो किसी को ला सकती है। एक काम करो, पूरे शहर में राज फैला दो। वो जैसे कोई मूवमेंट करेगी हमें पता चल जाएगा। बस एक बार वो सामने आ जाए फिर समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। पूरे सिटी में पैरानॉर्मल रडार सेट करने हैं, कोई भी एक्टिविटी दिखे तो प्लीज इमीडिएट इन्फॉर्म कीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी। कब तक अपनी गुफा में छुप कर बैठी रहेगी बर्तन वाली? इसको बाहर तो आना ही पड़ेगा। बंगलो रोक गोरई, चलो जल्दी चलो। क्या चाहिए? मैं बर्तन वाली। एक बर्तन के बदले में एक कपड़ा, वो भी पुराना। ये कटोरा बहुत सुंदर है, मुझे यही कटोरा चाहिए। जानती हूँ, तो लाओ पुराना कपड़ा। मैं अभी अपने भाई का कपड़ा लेकर आती हूँ।
मेरी शर्ट का क्या करेगी? दीदी दीदी शर्ट का क्या करेगी? जवाब दीदी क्या करेगी तू शर्ट का? तुम अच्छा तो मुझसे भागकर तुम यहां पे आके छुपे? ए दीदी दीदी उसको शर्ट मत दे, दीदी उसको शर्ट मत दे तू। राठौर साहब अचानक अंधेरा कैसे हो गया? साहब अचानक सूरज के सामने काले बादल आ गए। ये सिर्फ कुछ पल का चला हुआ है, पकड़ो इसे। ये कहां चली गई? सालवे निशा ढूंढो इसे। मैंने कुछ देर को तो सूरज से काले बादलों से ढक दिया है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक इसकी रोशनी को रोक नहीं पाऊंगी। और ऊपर से इन लोगों ने मेरा सूर्य कवच भी तोड़ दिया है। मुझे किसी भी घर की जल सोचा अपने बच्चों के पास जाना चाहिए। ये बर्तन वाली राक्षसी है। ए रुक। साल्वे निशा तुम लोगों ने मेरा सुरक्षा कवच छोड़ा है और मेरे कमरे में बाधा डालने की कोशिश की है, इसलिए अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको मारेगा। मुझे मारने की बात कर रहे थे ना, अब देखो देखो कैसे धूल चाट रहे हो तुम तीनों। अब ये मेरा ग्रह है और मैं तुम सबका सर्वनाश कर दूंगी। साले गणपति बप्पा मारा। मेरे बच्चे
साहब तुम ठीक हो ना? आप हो ना साहब? ये तुम यहां आसानी से नहीं मरेगा। मैं किसी ने ठीक ही कहा है, अंत भला तो सब भला।